नमस्कार। अभी सर्दी की ऋतु निकल गई है और गर्मी आने वाली है। ये मार्च का महीना, हिंदी में इसको फागुन महीना कहते हैं। इसमें एलर्जी की जो प्रॉब्लम है, आंखों की एलर्जी, ये अपने आप को प्रकट करती है। और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जाती है, एलर्जी के केसेस, आंखों में खारिश होना, आंखों में सुइयां चुभना, आंखों में पानी चलना, ये तकलीफ बढ़ती जाती है जैसे जैसे गर्मी आती है। तो इसका कारण है कि अभी हार्वेस्टिंग का सीज़न, जो पौधे हैं उनमें फूल निकलते हैं तो वो पोलन्स रिलीज़ करते हैं। अब जब पोलन्स रिलीज़ करते हैं तो हमारा शरीर पे वो पोलन्स अटैक करते हैं, हमारा शरीर उसके साथ लड़ाई करता है। अब हमारे शरीर में आजकल सबके लोगों में, बच्चों में खास करके, जो इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, जो हमारी जो रक्षा की क्षमता है, वो बड़ी लोगों में कम हो गई है। उसका कारण मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडोर रहते हैं, आउटडोर नहीं जाते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, सब्जियां और फ्रूट खाते वक्त हमें बच्चों में भूख नहीं होती, फास्ट फूड खाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उससे जो एलर्जी का अटैक है वो आंखों के ऊपर जब पड़ता है तो आंखों में खारिश होनी, बच्चा या बड़ा आंखों को मलते हैं जोर जोर से, मलने से हाथ में जो वायरस या कीटाणु लगे हैं वो आंखों में प्रवेश कर जाते हैं, उससे आंखों में इन्फेक्शन का डर रहता है। तो जब भी ऐसे सिम्टम्स आए, खारिश लगे, कुछ हो, तो आपको तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो आंखों के डॉक्टर हैं वो एग्जामिनेशन उसका करेंगे, जो प्रॉपर आपको गाइडेंस है वो देंगे, और जो आई ड्रॉप्स लुब्रिकेटिंग या जो भी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ठीक टाइम पे डाले जाएं, तो इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा यदि आंखों को मलते रहेंगे तो आंखें उससे बड़ी बुरी तरह से डैमेज हो सकती हैं। ये मेरा संदेश है, एलर्जी से आप कृपया बचें। धन्यवाद।